हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइस वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं फॉल गाइस का मजेदार गेम, और पहले राउंड में आ चुका है हमारे फुल टिल्ट, ऐसे ही है कुछ इसका नाम। और ये पूरा सोलो मोड है गाइस, ठीक है, पूरा सोलो आ चुका हूँ मैं आज एक राउंड जीतने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये वाला राउंड हमने पहले खेल चुका है। पिछली बार मैं काफ़ी बेकार खेला था, लेकिन इस बार देखो इतनी अच्छी आदत हो गई है। तो स्टम्बल गाइस भी पीसी में चालू कर दिया ना मैंने, इसके कारण मेरे कंट्रोल्स और अच्छे हो चुके हैं ना, हाथ अच्छे से बैठ चुका है, और ये वाला गेम अब मुझे और इजी लग रहा है। तो पहला चेक पॉइंट हमने पार कर दिया है, अब मेरे हिसाब से ड्रम्स आते हैं ना, तो करेक्ट ड्रम पे अगर हम लोग कूद के जाएं तो निकल सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे देखो एक ड्रम मुझे दिख रहा है जिस पर मैं कूदूंगा, और मैंने गलती कर दी, यहाँ पे डाइव नहीं मारनी थी यार, मुझे लगा कि वो दूर है, लेकिन वो तो यार बहुत ज़्यादा पास निकला गाइस। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ज़्यादा लेट हुए नहीं है, अभी भी मौका है हमारे पास, लेकिन यार अब बहुत ज़्यादा टेढ़े हो चुके हैं ये टाइल्स। और यहाँ पे लॉन्ग जंप के साथ आ गए, बस ये अब शायद से लास्ट राउंड हो सकता है। इन लोग की तरह जाऊँगा मैं डायरेक्ट जंप मार के, और ये बढ़िया आया लेकिन थोड़ा दूर हो गया, एक बंदा पहुँच चुका है, हम भी आने वाले हैं, बस 28 लोग में से एक तो होऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे अब लेफ्ट से चलेंगे, ये पड़ गई, ओके आ गए, चलो अब कहाँ से, यहाँ से ठीक है, ये कांच वाली साइड से चलते हैं, और अब मैं इसके राइट कूद जाऊँगा, ठीक है यहाँ पे आ गए, बढ़िया बच गया मैं, ओके ये थोड़ा ऊपर जंप और आ गए गाइस, चेक पॉइंट भी ले लिया है, वैसे चेक पॉइंट नहीं था ये, ठीक है आ चुके, और फिनिश लाइन में हम लोग आ गए। और ये तो मुझे यार न्यू मैप लग रहा है, ये मैप मैंने अभी तक नहीं खेला गाइस, तो हो सकता है इसमें अच्छा खेला, नहीं यार शायद से खेला ये वाला यार, नहीं यार लेकिन ऐसे कुछ खेला इसके जैसा, हाँ ये नहीं खेले गाइस। यहाँ पे मैंने पंच देखे नए नए, अब इस पंच से टकरा के जा सकते हैं क्या, अगर टकरा के जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग पैदल ही चलते। और ये बंदा टकरा के आया है यार, ठीक है अब आएगा ना तो मैं भी टकराऊंगा, अब यहाँ से चलते हैं, ये देखो ये अच्छे से कर रहा है, मैं भी ठीक ही कर रहा हूँ वैसे, और इसके ज़्यादा पीछे हूँ नहीं। अब ये पंच से टकरा के जाएगा, मैं भी जाऊँगा भाई इसको देख के, मैं भी आया, रुक जा भाई तू यहाँ खड़े हो, और बढ़िया यार काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल गया है। अब ये रिवर्स एरो, इसके ऊपर तो चल नहीं सकते गाइस, तो कूदना ही पड़ेगा हमें, और ये भी बहुत तेज तेज घूम रहा है ये ऑब्स्टिकल, ठीक है यहाँ पे आ चुके, और अब मैं देखो पंच से जाऊँगा फिनिश लाइन की तरफ, और जल्दी जाएगा, ये कितनी जल्दी उड़ के गए, ठीक है ये वाला मैप मैंने खेला है शायद से पहले, ठीक है ना, तो बढ़ते हैं और इसे एक से बच के निकलेंगे, ये आए और सीधा जंप मार दिया मैंने, क्या थोड़ा दूर आ गया था इसलिए मैं पहले ही कूद गया। और अब इनमें से कैसे निकलना है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन नीचे तो गिर नहीं रहा है तो ठीक है, और मैं अभी भी फर्स्ट पे नहीं आ रही है, बंदा आगे मेरे से आगे, अब ये आगे पीछे, तो आगे वाले में जाना है हमें, ये येल्लो येल्लो पे कूदेंगे, और बढ़िया निकला, ठीक है एक और चेक पॉइंट ले लिया है, अब लेफ्ट से चलते गाइस, थोड़ा तेज है लेकिन आ जाएगा, और आगे आगे बहुत सी, अरे यार गड्ढे में कूद गया, ये नहीं करना था। अब एक काम करते राइट से चलते, लेफ्ट ज़्यादा रिस्की हो रहा है, थोड़ा इसको जान दो, अरे यार नीचे क्यों गिर गया, एक तो पूरा टेढ़ा हो रहा है, ये दो बार गिर चुका हूँ गाइस मैं, अब नहीं गिर सकते भाई, नहीं गाइस अब नहीं गिर सकते थे हम लोग, और अब शायद से मैं बाहर हो चुका हूँ, हाँ मुझे याद है पिछली बार भी मैं बाहर हो गया था यार, दो लोग क्वालिफाई कर लिए, पिछली बार भी मैं यहीं पर बाहर हुआ था, और यहीं से एलिमिनेशन मेरा चालू हो चुका था, क्राउन का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा भाई, चार लोग ही हुए अभी तक, मैं आ सकता हूँ और मैं आ गया, ठीक है। तो ये है जेंटल कॉन्क्लेट, ये भी मैंने पहले खेला है, और मुझे अभी भी वो डेविल याद है जो पिछली बार बहुत ज़्यादा खतरनाक खेल रहा था भाई जब मैंने ये खेला था, तो वैसे ही मैं कोई ट्रिक करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 लोग होने वाले गाइस क्वालिफाई, और मैं चल रहा हूँ 10वें या 11वें नंबर पर, लेकिन अब वो टिक मार के आ गया हूँ, ये वाली ट्रिक करी थी उसने, लेकिन मैं तो आसपास भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं यहीं चलते, कितने लोग हैं 1 2 3 4 भाई बहुत लोग हैं यार, इनको ओवरटेक मारनी पड़ेगा वरना तो मैं बाहर हूँ, एक एक करके सबको मारना पड़ेगा, यहाँ पे एक बंदे को मार दिया शायद ऑलमोस्ट, अरे यार नहीं और ये पंच भाई और लेट हो गया मैं यार, ज़्यादा पीछे हूँ मैं, क्या करें गाइस, शायद इस पंच में बराबर हो जाए, क्योंकि हाँ इसमें सबको खड़े होना पड़ेगा, शायद से मैं निकल जाऊँ, और आ गया ठीक है, अरे यार लास्ट हूँ मैं, और ये आ गया गाइस आ गया, ठीक है। तो आ चुका है गाइस जंप शोडाउन, जो कि हमारा पुराना राउंड है, इसमें बस एक चीज़ रहती है कि कोई हमें पकड़ लेता है, कोई ग्रैब कर लेता है, उससे हमें बचना है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जंप जो है उसकी टाइमिंग बहुत ख़राब हो जाएगी, और वहीं से मैं बाहर हो सकता हूँ अगर बस कोई पकड़े नहीं। और हाँ एक और चीज़ है कि मुझे टाइमिंग बराबर बैठानी पड़ेगी तो ही शायद मैं जीत पाऊँ, वो टाइमिंग के लिए मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इन रॉड्स पर आगे रहना है,
हमेशा मेरे को एक चीज़ इसमें याद रखनी कि आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है। ये मैंने चीज़ सीखी थी, बहुत खेला जब मैंने इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई पकड़ तो है नहीं रहा है जितना मुझे लग रहा है, बाकी का गेम मुझे संभालना पड़ेगा। उस साइड की सारी टाइल्स गिर चुकी है गाइस, तो अब ये वाली ही गिर रही है। अरे यार, अब यहाँ पे दो, वहाँ पे एक बची है, कौन सी पे जाना चाहिए? मुझे तो लगता है भाई वहाँ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो वहाँ चलेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे कूद जाते हैं। ठीक है, और ये भी गिरी, लो ये भी गिर गई। अब तो चलते ही हैं वहाँ पे, डायरेक्ट ही चलते हैं, वहाँ से एक रोड भी आ रही है। ठीक है, बढ़िया हुआ यार मैं कूद के आ गया, वहाँ पे ऑलरेडी टाइमिंग ख़राब हो चुकी थी हमारी। 4 मिनट का टाइमर भी दिया इन लोगों ने, ये नई चीज़ कर दी है भाई, टाइमर क्यों दे रहे हैं? और ये टाइमिंग खतरनाक है गाइस, ये और मैं बच गया, वो दोनों गिर गए। इसी की बात मैं कर रहा था कि आगे रहना है हमें, पीछे नहीं रहना है गाइस, क्योंकि आगे से ही बच सकते हो, पीछे तो काम लग जाता है। ये मुझे याद था और यहाँ मैंने अप्लाई भी कर दिया गाइस। लेकिन अब यहाँ पे मैं अकेला हूँ और उनमें से कोई इधर आने वाला है, मुझे लग ही रहा था। मैं सोच रहा था इसको ग्रैब करके नीचे कर दूँ, लेकिन कुछ असर आया नहीं। ठीक है, अब हम दोनों आ चुके हैं, शायद ही मुझे ग्रैब कर सकता है, इसकी मूवमेंट देख के तो लग रहा है प्रो बंदा है। फिर वही टाइमिंग, आगे रहना है गाइस, आगे रहना है, याद रखना है भाई आगे रहना है। 3 मिनट बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ अगर 3 मिनट खत्म हो जाए यहाँ पे क्या करें। ओके, ये वाली टाइमिंग समझ में आ गई। अच्छा, ओ भाई एक चीज़ देखो कि ये वाली साइड छोटी है तो इधर कम जगह, राइट में बड़ा होता है पंखा भाई, तो फिर तो यार वहीं जाना चाहिए मुझे। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ यार, ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है गाइस आपके पास बहुत कम है, लेकिन राइट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है ना? वैसे हाँ, फ़ायदा तो यही है, वो क्लोज था भाई, हम दोनों बचे, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तब पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक टाइमिंग के साथ कूद गया मैं, और भाई फाइनली जीत चुके हैं गाइस हम लोग, हमारा पहला क्राउन सीजन 4 का। तो एक मैच जीत चुके हैं हम लोग, तो एक और ट्राई कर ही लेते हैं, क्या मेरा लक काम कर जाएगा एक और में, ये भी देखते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे कुछ हैमरों के बीच में मैं फंस चुका था, निकल के आ चुके हैं। ठीक है, बढ़िया, अब टाइमिंग से जाएंगे। यहाँ पे डाइव नहीं मारूंगा भाई, पहले बहुत डाइव मारा करता था मैं फॉल गाइज में, तब मुझे लगता था स्टम्बल गाइज जैसे वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डाइव मारने से गेम स्लो हो जाता है। और ये ऑब्स्टिकल भाई, ये बहुत खतरनाक है, चाहो तो आपको आगे भी कर सकते हैं या तो पूरा पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे ही करें, नीचे से ही चलते हैं यार, और क्या, वैसे भी ऊपर जाने की बस की है नहीं, ऊपर जाके और लेट हो जाएंगे। वैसे ही 2 बार गिर चुका हूँ मैं। अभी राइनो कहाँ पे? उस तरफ है ना, चलो मैं इस पतली गली से निकल लेता हूँ। कोई आ रहा है क्या पीछे? भाई आवाज़ आ रही है राइनो की, जल्दी निकल लो। ओके, उड़ के आ गए, और ये तो बहुत ही ईजी है भाई, ये तो मैंने हर बार शायद से क्वालिफाई किया ही है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, राइट से चलना है, और ये आ गए। ये राउंड नहीं है गाइस, ये खौफ है इसमें, देखो ये लोग डालते ही नहीं है कि भाई कितने जान है, वो बोलते हैं कि जितनों की बस की है आ जाओ, बाकी ऐसे ऐसी गलती मत करना। अभी मैं सीधा स्लाइम में ही कूद जाता, मैंने बाद में ध्यान दिया यार कूदने के बाद कि यहाँ पे लाल वाले ये फटाके भी रखे हैं। लेकिन गाइस मैं वही बता रहा था, यहाँ पे ये लोग चैलेंज, ओपन चैलेंज रखते हैं भाई, कि जिसको आना है ना आ जाओ, हम रख ही नहीं रहे नंबर। 12 के 12 आ सकते हो तो 12 के 12 आ जाओ, तुम लोग जितने आ सकते हो गाइस, है ना। तो हम लोग लेकिन दिखाएंगे कि भाई मेरे को भी खेलना आ चुका है, इतना कोई नूब नहीं है, इजीली आ जाऊंगा। देखो अब टिप्स एंड ट्रिक्स भी करके दिखाऊंगा आपको, ये देखो कैसी लगी कैसी। इसके पीछे से आता हूँ, ठीक है, ये देखो ये पिंक सिंड्रेला के पीछे से आ गया मैं। अब यहाँ पे देखो मेरी ट्रिक गाइस, ये लो भाई, स्लाइम वाली ट्रिक भी करके दिखा दी, और क्या चाहिए तुम्हें। अब यहाँ पे धीरे धीरे ये आ गए। ओके, लास्ट यहाँ पे अब गलती हो जाती है, क्योंकि ये जो है ना इधर नीचे नहीं गिर सकते, इधर नीचे गिर गए तो इतनी जो मेहनत करी थी अभी ख़त्म हो जाती, जैसे अभी बता रहा था मैं। और चलो ये वाला पार्ट इजी रखा है इनने, इन बॉल्स के बीच में से तो जा ही सकता हूँ, टाइमिंग सही है, इससे पहले आ जाए अंदर आ जाओ। और फाइनल में आ चुका है गाइस रोल ऑफ, और ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है भाई एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में तो लगता है इससे इजी कुछ है ही नहीं, और बाद में लगता है इससे डिफ़िकल्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी आप देखना क्या होगा इसमें, बस ये रेड वाले से बचना है। ये क्या है, बाउंसी बहुत है ना, तो सीधे बाहर फेंक सकते हैं। उस वाले ऑब्स्टिकल मतलब उस वाले प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा मैं, जहाँ पे ये रेड वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया भाई ये, लेकिन मेरे को अभी तक इजी लग रहा है। लेकिन बस क्या है, मैं एक ही फ्लोर पे रहूँगा और सही टाइम पे जाना है अपन को। ये आ क्यों नहीं रहा? ठीक है, आ गया। अरे हाँ, ऐसे फ्लोर मिलने चाहिए भाई जहाँ पे सीधा दौड़ते जाओ और ख़त्म होने वाला है। चलो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, सही जगह पे ट्रांसफ़र करना है हमें। चलो आ गए, यहाँ पे कौन से में, इस वाले में चलते। अरे नहीं, टाइमिंग नहीं यार, मेरी टाइमिंग हल्की सी लेट हो गई, पता नहीं उसके कारण हुई लग रहा है।
उस पर ब्लेम डाल देते हैं पूरा और चलते हैं हम लोग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी फॉल गाइस की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले फॉल गाइस की वीडियो देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।